नमस्कार दर्शकों, तो हम रोजाना की तरह हाजिर हैं राशिफल में। मंगलवार का दिन आपके लिए कितना रहेगा खास, आइए जानते हैं आपके तारे, आपके सितारे कैसे आएगा राशिफल से आपकी जिंदगी में बदलाव, क्या कुछ रहेगा आपके लिए खास, तो यही सब जानने की कोशिष होगी राशिफल में। मेष राशि वालों के लिए बाहर के खान पान की आदत के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है। व्यवसाय में संभल कर चलने की गणेश जी सलाह देते हैं। उच्च अधिकारी आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, ऐसी संभावना दिखती है। संतान के साथ मतभेद हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए मित्र और स्वजनों के साथ घूमने फिरने से आनंद प्राप्त होगा। भोजन का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, परंतु दोपहर के बाद स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खर्च अधिक होगा। मिथुन राशि वालों के लिए सृजन शक्ति में नया संचार होगा। साहित्य कला के क्षेत्र में आप अपनी सृजनात्मक प्रस्तुति करेंगे। विद्यार्थी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए अच्छा समय है। एकाग्रता पूर्वक कार्य करने से कार्य में सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी। स्थायी संपत्ति के कागजातों पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से हानि हो सकती है। परिजनों के साथ तूतू मैमे हो सकती है और इससे मन में ग्लानि बढ़ेगी। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। नकारात्मक विचारों के कारण आप खुद को ऊर्जाहीन महसूस करेंगे। मध्याह्न से पूर्व भाग्य वृद्धि के संकेत हैं। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना है। नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए समय शुभ है। प्रियजनों के साथ मुलाकात होगी। विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। तुला राशि वालों के लिए नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए दिन अनुकूल नहीं दिख रहा है। आपका स्वास्थ्य नरम रह सकता है। मानसिक शांति प्राप्त कर पाएंगे। कार्य करने का उत्साह मंद होगा। अधिकारियों से तालमेल बना रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए लंबी अवधि की आर्थिक योजना के लिए अनुकूल दिन है। आर्थिक और व्यवसायिक दृष्टि से दिन लाभदायक है। शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करेंगे। आज कई लाभ हासिल करने का दिन है। नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा। तो वहीं धनु राशि वालों के लिए वाणी पर संयम रखने की और क्रोध न करने की सलाह गणेश जी देते हैं। परिजनों के साथ संबंधों में कुछ कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र में आज आपके कार्य की बहुत प्रशंसा होगी। कार्य बहुत सरलता से पूरे होंगे। तो वहीं मकर राशि वालों के लिए व्यवसायिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभदायी दिन है। मध्याह्न के बाद सावधानी बरतने की सलाह गणेश जी देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। मनोरंजन एवं आनंद उल्लास के साथ खर्च होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन लाभ मिलेगा। प्रत्येक कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होगा। चर्चा और विवाद से दूर रहिएगा। मध्याह्न के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता नजर आएगा। तो वहीं अंत में हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। व्यवसायी और व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल नहीं है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। सांसारिक प्रश्नों और विषयों के लिए आप आज उदासीन वृत्ति से व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदालती कार्रवाई से संभल कर चलिएगा। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया आज के राशिफल के बारे में। ऐसे ही धर्म, कर्म और राशिफल से जुड़ी तमाम अहम बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए देखते रहें हमारा चैनल। नमस्कार।